भाजपा ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री स्थानीय भाषा में शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय बना दिए गए हैं और अब उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। ऐसे में एक अनोखी मांग जो है वो हमारे ओर सामने निकल के आई है। छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा मंच के जो प्रांतीय संरक्षक है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक अनोखी मांग को लेकर के सीधे उन्हीं से चर्चा करेंगे। क्या है वो अनोखी मांग जो आप रखना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा आधिकारिक बन गया हवा 28 नवंबर 2007 के। तो जब हमारे राज्य के मुखिया शपथ ले हैं तो ये यहाँ के चिन्हारी राजभाषा छत्तीसगढ़ी में वो शपथ ले। हर राज्य में अपन अपन राज्य के भाषा में शपथ लेते हैं। तो हम चाहत हैं, हमारे सुझाव है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी शपथ छत्तीसगढ़ी में लेवें। एक संदेश पूरा प्रदेश भर में जाए और मान सम्मान भी बढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लगातार आप कामकाज करते हैं, प्रदेश स्तर पर लगातार दौरे करते हैं, घूमते हैं। ये जो सोच है कि मुख्यमंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ी में शपथ ले, पहली बार ऐसा होगा अगर यदि वो शपथ लेते हैं, इसके पीछे सोच क्या है? कैसे आया ये विचार आपके मन में? इसके पीछे ये है कि ऐसा कहते हैं कि बड़े मनखे जो उन काम करते हैं उनका अनुकरण छोटे मन करते हैं। तो वो मुखिया है, वो अगर कहीं छत्तीसगढ़ी यहाँ के चिन्हारी है, अस्मिता के पहचान है, जो हजारों साल पुरानी भाषा है, तो ओमा अगर शपथ ले हैं तो बाकी वो उनकर प्रति सम्मान जाए। छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जी जो है वो मिल चुके हैं और ऐसे में अब एक अनोखी मांग सामने आई जहाँ पर एक छत्तीसगढ़ी भाषा को जो हमेशा से जो है संरक्षक जो है राज्य भाषा मंच के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे में उन्होंने एक अनोखी मांग रखी उनके सामने कि इस बार जब वे शपथ ने तो अपनी राज्य भाषा यानी कि छत्तीसगढ़ी में वे शपथ ने। हालांकि देखना होगा जब विष्णु देवसाय जी तक ये बात पहुंचेगी तो उनका क्या कहना होता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सन, नेशनल रिपोर्ट 7, रायपुर।